उनका लिक्विडिटी ऑफर और उन टाइप के एसेट्स जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं, पर शायद आपको अब भी मन मुताबिक चीज नहीं मिली। क्या आप इनसे बेहतर चीज की तलाश में हैं? तो आपके लिए कुछ और म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जिन्हें क्लासिफाई किया गया है उन्हें मैनेज करने के तरीके से। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कार रेस है जहां हर कोई जोश में है। रेस शुरू होती है, सबसे आगे ब्लू कार है, ये ऑल टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। आज ये 17वीं रैली जीतेगा, ये अल्टीमेट चैंप है, हारेगा नहीं। पर ये क्या लगता है, दो लोगों ने उसे हराने की ठान ली है। रेड वाला तो उसके पीछे ही है, जो बहुत सेफ खेल कर ब्लू के नजदीक रहने की कोशिश में है, शायद टाई हो जाए। पर ये क्या, एक कार बड़ी तेजी से आगे आ रही है, ये आदमी बेहद कॉम्पिटिटिव है और आगे बढ़ना चाहता है। सबको चकमा देता, ओवरटेक करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो पहुंच पाएगा, कौन जीतेगा रेस? आज ट्रैक पर 3 जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपने इस तरह के कैरेक्टर्स देखे होंगे ना, स्वभाव से कॉम्पिटिटिव या थोड़ा सेफ खेलने वाले। यही है हमारा म्यूचुअल फंड का अगला ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जिसका आधार वो तरीके हैं जिनसे स्कीम्स को मैनेज किया जाता है। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में फंड मैनेजर को स्कीम के पोर्टफोलियो को एक्टिवली बनाने की क्षमता मिलती है, जो स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर हो और बेंचमार्क इंडेक्स से ऊपर उठने का प्रयास करे। एक पैसिवली मैनेज्ड फंड में पोर्टफोलियो प्री डिफाइंड मापदंडों के आधार पर ज्यादा स्थिर तरीके से बिल्ड किया जाता है। जैसे कुछ इंडेक्स स्कीम्स में फंड मैनेजर फंड को मैनेज करने के लिए पैसिव रोल अदा करता है, जो ज्यादातर पोर्टफोलियो को बेंचमार्क की लाइन में रीबैलेंस करने तक ही सीमित रहता है। इस तरह स्कीम की परफॉर्मेंस भी बेंचमार्क की परफॉर्मेंस की लाइन में रहती है। पिछले कुछ सालों से ये इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और म्यूचुअल फंड कंपनीज ने लॉन्च की हैं और भी कई स्कीम्स, जो रेगुलर इक्विटी डेट और हाइब्रिड फंड से अलग हैं। जैसे गोल्ड फंड्स, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या गोल्ड सेक्टर फंड्स। गोल्ड ETFs एक ऐसे इंडेक्स फंड की तरह है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी NAV मार्केट के गोल्ड प्राइसेस पर निर्भर करती है। और गोल्ड सेक्टर फंड्स उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है जो गोल्ड की माइनिंग और प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है। इन शेयर्स के प्राइसेस सीधे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके गोल्ड रिजर्व से जुड़े होते हैं। और फिर आते हैं कमोडिटी फंड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये फंड्स कमोडिटी एसेट्स जैसे फूड क्रॉप, फाइबर्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स और प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में अभी तक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने की अनुमति नहीं है, इसलिए इन फंड्स को आमतौर पर कमोडिटी सेक्टर फंड्स के रूप में कमोडिटी बिजनेसेस करने वाली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। आप इंटरनेशनल फंड्स भी चुन सकते हैं, जो आपका पैसा देश के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड आप जैसे इंडिया के इन्वेस्टर्स को ऐसी स्कीम भी ऑफर कर सकता है जिससे आप अपना पैसा विदेशों में इन्वेस्ट कर सके। अच्छा है ना, म्यूचुअल फंड किसी फॉरेन फंड से टाई अप करके इंडिया फंड में जमा की गई राशि को इस मास्टर फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। इस तरह का फीडर फंड किसी भी तरह के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी खास देश के लिए या कई देशों के लिए। उदाहरण के तौर पर इंडिया में जमा आपका फंड किसी खास US ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करता हो। आखिर में आता है डोमेस्टिक फीडर फंड। ये फंड्स पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि वो किस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि इन्वेस्टर्स को मल्टीपल स्कीम्स में से चुनाव करना आसान हो। जरूरत से ज्यादा पढ़ाई हो गई ना, लेकिन हमें आशा है कि हम इस बोरिंग सब्जेक्ट को आपके लिए एक इंटरेस्टिंग तरीके से स्ट्रेटेजीज के साथ पेश करने में सफल रहे हैं, ताकि आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी तैयार कर सकें। अब जरा इन